गुड मॉर्निंग माइस पार्टनर्नर्स हाउ आर यू ऑल फाइन एक्सीट बेटा टूडेज थॉट इज डू नॉट वेट फॉर टूमोरो बिकॉज टूमोरो डज नॉट वेट फॉर यू देर फोर टूमोरो ऑलवेज कम्स टूमोरो बेटा हमें कभी भी कल का इंतजार नहीं करना चाहिए ठीक है हमें कभी भी कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए आज ही हमें अपना काम पूरा कर लेना चाहिए क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि ये काम कल कर लेंगे तो वो कल कभी नहीं आता ओके okay, हमें आज का काम आज ही करना चाहिए ओके okay, बेटा बेटा टुडे अगेन वी विल डू लेसन सिक्सटीन डेटा हैंडलिंग ओके सो ओपन लेसन सिक्सटीन डेटा हैंडलिंग बेटा कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड इन स्कूल स्कूल में स्पेलिंग कॉम्पिटिशन हुआ था दिक्टोग्राफ गि बिलो शोज द टॉप फोर स्कोर ऑफ द कॉम्पिटिशन बेटा जो ये पिक्टोग्राफ है ये क्या शो कर रहे हैं टॉप फोर स्कोर कॉम्पिटिशन की रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस आपको बेटे पिक्टोग्राफ रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं ठीक है थीके? सबसे पहले आप ये की देखेंगे ओके इसमें बेटा वन फ्लार टू करेक्ट स्पेलिंग्स के इक्वल है ठीक है वन फ्लार के लिए टू क्रेक्ट स्पेलिंग्स हैं ओके दीज आर फोर स्टूडेंट्स रत्ना मयंक चारू रोहित अब बेटे रत्ना की फ्लार्स काउंट कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन रत्ना गॉट इलेवन फ्लास तो उसकी कितने करेक्ट स्पेलिंग्स हुए इलेवन टू साइज ट्वेंटी टू क्योंकि वन फ्लॉट टू करेक्ट स्पेलिंग्स के लिए है ना है ना अब बेटे मयंक के फ्लास काउंट कीजिए वन Two, three, four, five, six. 3, 4, Mayang got 6 flowers. Means Mayang's 12 spellings are corrected. Okay. Now count the flowers of Charu. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. So 10 to is.

बेटा ए पार्ट क्वेश्चन इज हु द मोस्ट नंबर ऑफ करेक्ट स्पेलिंग्स बेटा किस बच्चे ने सबसे ज्यादा करेक्ट स्पेलिंग्स बताए किसका नंबर सबसे ज्यादा है रत्ना का सबसे ज्यादा है ना क्योंकि रत्ना की ट्वेंटी टू स्पेलिंग्स करेक्ट हुए हैं सो यू विल राइट रत्ना बी पार्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी करेक्ट स्पेलिंग्स डेड चारू गेट चारू क्यों कितने करेक्ट स्पेलिंग्स मिले हैं चारू का नंबर ट्वेंटी है ना सो यू विल राइट ट्वेंटी सी पार्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज़ द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्पेलिंग्स आपको करेक्ट स्पेलिंग्स का टोटल नंबर फाइंड आउट करना है मीन्स यू विल एड ऑल दीज नंबर्स ट्वेंटी टू प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व सो द आंसर इज सिक्सटी सिक्स ओके नोबीटर डी पार्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स आपको ट्रू और फॉल्स लिखनी है फर्स्ट पार्ट है मयंक केव सिक्सटीन कॉरेक्ट स्पेलिंग्स क्या मयंक ने सिक्सटीन कॉरेक्ट स्पेलिंग्स दिए थे मयंक का नंबर कितना है ट्वेल्व सिक्सटीन तो नहीं है ना सो यू विल राइट फॉल्स सेकेंड पार्ट इज रोहित एंड चारू टूगेदर कॉट थर्टी स्पेलिंग्स. रोहित और चारू को दोनों को इकट्ठे थर्टी स्पेलिंग्स ठीक क्यों है ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व कितना होता है बेटे थर्टी टू होता है ना थर्टी तो नहीं होता ना सो द आंसर विल बी फॉल्स ओके नाउ बेटा दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो टेल्स अस अबाउट द फेवरेट सब्जेक्ट आप अपनी बुक में देख रहे हैं क्वेश्चन रीड कीजिए मेरे साथ द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो टेल्स अस अबाउट द फेवरेट सब्जेक्ट अमंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड इन अ स्कूल ये पिक्टोग्राफ क्या शो कर रहा है क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन सा है ओके रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस आपको पिक्टोग्राफ रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं ओके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं बेटे इंग्लिश हिंदी मैथ्स ई वी एस एंड आर्ट्स और की क्या दी हुई है वन स्टूडेंट इज इक्वल टू फाइव स्टूडेंट्स वन स्टूडेंट फाइव स्टूडेंट्स की इक्वल है ओके okay? अब बेटे इंग्लिश के स्टूडेंट्स काउंट कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव फाइव को किससे मल्टीप्लाई करेंगे फाइव से फाइव फाइव जाइज ट्वेंटी फाइव इंग्लिश ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स को अच्छी लगती है ओके नाउ काउंट द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी वन टू थ्री थ्री फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन स्टूडेंट्स को हिंदी फेवरेट लगती है मैथ्स के कितने बच्चे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स फाइव जाइज थर्टी थर्टी स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है मैथ्स ओके ईवीएस स्टूडेंट्स आर वन टू थ्री four, फोर फाइव जाइज twenty, twenty स्टूडेंट्स को EVS अच्छी लगती है ओके नाउ लास्ट सब्जेक्ट इज आर्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट फाइव जाइज फोर्टी फोर्टी स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आर्ट नाउ दीज आर क्वेश्चन ए पार्ट क्वेश्चन इज विच सब्जेक्ट इज मोस्ट पॉपुलर कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है मीन्स कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है आर्ट आर्ट का नंबर फोर्टी है ना सो यू विल राइट आर्ट बी पार्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स कितने बच्चों को मैथ्स अच्छी लगती है बच्चे थर्टी है ना सो यू विल राइट थर्टी नाउ सी पार्ट इज सब्जेक्ट इज लाइक मोर कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है बच्चों को इंग्लिश और ईवीएस में से इंग्लिश का नंबर है ट्वेंटी फाइव और ईवीएस का ट्वेंटी तो इंग्लिश का नंबर ज़्यादा है ना सो द आंसर विल बी इंग्लिश ओके नाउ बेटा डी पार्ट इज विज दीस्ट फेवरेट एमंग स्टूडेंट्स कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे कम पसंद है बच्चों को अब बेटा सबसे कम नंबर कौन सा इसमें फिफ्टीन सबसे कम है न और फिफ्टीन किस सब्जेक्ट का नंबर है हिंदी का सो द आंसर विल बी हिंदी हिंदी इज द लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट अमंग स्टूडेंट्स ओके ई पार्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर दे आर इन क्लास थर्ड क्लास थर्ड में कितने बच्चे हैं आप क्या करेंगे इन सबको प्लस करेंगे ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टीन प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी प्लस फोर्टी सो द आंसर विल बी वन हंड्रेड थर्टी देयर आर वन हंड्रेड थर्टी स्टूडेंट्स इन क्लास थ्री ओके बेटा एफ पार्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है फर्स्ट पार्ट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक आर्ट इज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स मीन्स आर्ट के स्टूडेंट्स का नंबर मैथ्स के स्टूडेंट्स के नंबर से ज़्यादा है आर्ट के स्टूडेंट्स का नंबर है फोर्टी और मैथ्स के स्टूडेंट्स का नंबर है थर्टी तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स का नंबर ज़्यादा है ना

Have a great day!